Hello everyone, this is Preeti Sharma from Preeti Classes. Welcome to my channel. हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 1. चैप्टर नंबर 1 इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो उसमें 1.1 में जो आपका फर्स्ट सम है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग. तो अभी कंप्लीट करने के लिए मैं बॉक्स बना दूंगी, तो उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी और आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि कौन से बॉक्स में कौन सा नंबर भरना है आपको. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. इसमें हमारा दो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें, और इसने बोला है नेक्स्ट लाइन में कि लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. तो ऐड का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? ऐड का मतलब ये नहीं कि हमको 5 और 2 को ऐड करना है, 3 और 3 को ऐड करना है, 9 एंड 12 को ऐड करना है. ऐड का मतलब होता है कि हमें साइन नहीं चेंज करना है, साइन के हिसाब से हमें सॉल्व करना है. तो साइन, अभी जिन बच्चों को साइन की डेफिनेशन नहीं पता है कि जब साइन, दो साइन सेम होता है तो हमें क्या करना है, दो साइन अलग अलग होता है तो हमें क्या करना है, तो मैं एक्सप्लेनेशन में साथ में एक्सप्लेन करते जाऊंगी. तो आप तो एग्जैक्टली इसमें होता क्या है, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इधर का और यहाँ का कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में प्लस का साइन है. तो प्लस है मतलब ऐड हो जाएगा. इफ बोथ द साइंस आर सेम, अगर दोनों भी साइन सेम है तो हमें एग्जैक्टली उनको ऐड करना है. तो दिस विल बिकम 7x. अब ये साइन प्लस है और ये साइन माइनस है, बट हमको तो बोला है ऐड करो. हमें यहाँ पे बोला है कि लेट्स ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. लेकिन अगर साइन अलग अलग है तो उसको ऐड नहीं कर सकते, इसका मतलब वो सब्ट्रैक्ट होता है. तो एक्चुअली 3y सेम है तो वो कट जाएगा. अब हमारे पास बचा 9 एंड 12. 9 एंड 12 को हम ऐड करेंगे क्योंकि इसके आगे में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ऐड करना है. तो अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे. 12 प्लस 9 इज़ 21. अब यहाँ पे 7x है तो हमारा 7 × x होता है, उसका मतलब इज़ इक्वल टू 21. अब ये मल्टीप्लाई में है, जब ये मल्टीप्लाई 7 वो साइड जाएगा इसका मतलब वो डिवाइड हो जाएगा. और मैथ्स के लैंग्वेज में डिवाइड को ये साइन डिनोट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या करना है, उसको अपॉन में डालना है. अपॉन का मतलब डिवाइड होता है यहाँ पे. तो 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21. तो x का एग्जैक्ट वैल्यू आ गया 3. तो अभी हम लोगों को ये जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें हमें 7 लिखना है क्योंकि हमें ऐड करने के बाद ये 7x मिला, y तो कट हो गया और यहाँ पे हमें ऐड करके 21 मिला. देन 21/7 और x की वैल्यू 3 आ गई. आपको उतना सब्सटीट्यूट करना है वहाँ पे, यानी कि हमें एक ये बॉक्स भरना है, एक ये बॉक्स भरना है, देन हमें ये एक बॉक्स भरना है, ये एक बॉक्स भरना है, देन फाइनल में ये एक बॉक्स भरना है. ये हमारा हाफ सोल्यूशन था. अब आगे का हाफ सोल्यूशन है प्लेस x इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1. इसका क्या मतलब हुआ? अभी इक्वेशन नंबर 1 तो हमारा ये है, अभी इसमें x का वैल्यू हमें प्लेस करना है. मतलब इसमें सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन लिखती हूँ 5x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 9, वो मैंने लिख दिया. ओके, अब इसमें एग्जैक्टली हमें करना क्या है, हमें x की वैल्यू जो 3 दी हुई है वो हमें एग्जैक्टली यहाँ पे रखना है. तो इसका मतलब 5 के बाजू मैंने 3 रख दिया तो वो हो गया 53. लेकिन आपको 53 नहीं लिखना है, इनके बीच में कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, मतलब 5 × 3 हो गया. बाकी जिसका वैल्यू हमको नहीं पता है कीप इट एज इट इज़. 3y प्लस इज़ इक्वल टू 9, वो सबको ऐसे साथ में लेते चलो. 5 3 ज़ा 15 प्लस 3y इज़ इक्वल टू 9. अब ये 3y यहाँ पे ऐसा का ऐसा ही होगा, ये 9 यहाँ पे ऐसा का ऐसा ही होगा, यानी कि जिसका जो प्लेस है उसको मत चेंज करना. इक्वल के पहले जो 3y हो मैंने ऐसे ही लिखा, इक्वल के बाद जो 9 हो मैंने ऐसे लिखा. ये जो 15 है, इतना याद रखना कि हमें जो ABCD में से जो दिया होता है, जैसे यहाँ पे y दिया हुआ है, हमें उसको सेपरेट करना होता है. तो पहले मैंने 3y को ही अलग किया, अब मैं 15 को उसके पास लेके जाऊँगी यानी कि 9 के पास, ताकि नंबर एक साथ हो जाए. तो ये जो हमारा 15 वो साइड जाएगा, इसके आगे कोई साइन नहीं है. तो गाइज मैंने तुम लोगों को यहाँ पे भी बताया था कि अगर कोई साइन नहीं होता इसका मतलब क्या होता है, प्लस होता है. इसका मतलब यहाँ पे कोई साइन नहीं, इट मीन्स हियर इज प्लस साइन. तो 15 जब उस साइड चला जाएगा तो वो हो जाएगा -15. अगर कोई साइन यहाँ पे प्लस में है वो साइड जाकर माइनस हो जाएगा, ये साइड माइनस में है तो वो साइड जाकर प्लस हो जाएगा. अगर कोई मल्टीप्लीकेशन में है तो वो साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, अगर कोई डिवाइड में है तो वो साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं. 3y इज़ इक्वल टू 9 में से 15 नहीं जाएगा, 15 में से 9 गया तो हमारे पास 6 बचेगा. लेकिन साइन माइनस का आएगा रीजन इज विच नंबर इज बिगर, 15 नंबर इज बिगर, और 15 के आगे का जो साइन है वो इसके साथ लगेगा। कभी भी इतना याद रखना, अगर दो साइन डिफरेंट डिफरेंट है, प्लस एंड माइनस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। अगर दोनों साइन सेम है तो ऐड करेंगे, अगर दोनों साइन अलग अलग है तो हम उसमें माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद में साइन किसका लगेगा, साइन हमेशा उसी का लगेगा जो नंबर बड़ा है, उसके आगे देखना है, उसके पहले देखना है कि कौन सा साइन है, हमें वही साइन पुट करना है वहाँ पे। जैसे यहाँ पे 15 के आगे माइनस था तो हमने माइनस लगा दिया 6 के पास। अब मैंने बताया था इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो वाई इज इक्वल टू माइनस 6 और ये मल्टीप्लाई ये साइड जाएगा तो -3 डिवाइड में हो जाएगा। अब 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में आता है तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो y का वैल्यू क्या हो गया हमारा -2, क्योंकि ये जो माइनस है वो इसके साथ लगेगा, तो हमारा y का वैल्यू हो गया -2। तो हमारा फाइनल आंसर जो सबसे लास्ट लाइन में दिया हुआ है, सोल्यूशन इज x, y, तो वो मैं लिख रही हूँ। तो ये जो x, y है, तो पहला x है तो हम पहला नंबर x का लिखेंगे, तो हमारा x का वैल्यू आया था 3, तो हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा, और जो हमारा y है जिसका वैल्यू हमारा -2 आया है, जिसका वैल्यू -2 आया है, वो हमारा यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो हमारा टोटल दो आंसर आया है, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -2, और दोनों हम लोगों को एज इट इज लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम है 3a + 5b = 26, a + 5b = 22। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसमें हम इन दोनों को क्या करेंगे, ये हमको क्वेश्चन देख के समझना होता है। जैसे अभी इस क्वेश्चन में 3a है और इस क्वेश्चन में सिर्फ a है, क्योंकि सिर्फ a का मतलब होता है 1 है यहाँ पे, तो 3 और 1 दोनों अलग अलग हैं। आगे बढ़ते हैं, b के पास यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, हमें किसी एक को सेम करना होता है। अभी इसमें 3 के पास 1, इधर a के पास 3 है, a के पास 1 है, मतलब दोनों अलग अलग है, लेकिन b के पास दोनों सेम है, तो कोई एक भी सेम हुआ तो ठीक है, हमें एक दूसरे को सेम करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक ही को सेम करना है। पर इस क्वेश्चन में ऑलरेडी सेम दिया हुआ है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में हमें देखना है कि दोनों साइन कौन सा है। दोनों साइन सेम नहीं होना चाहिए वरना वो कटेगा नहीं, उसको कट करने के लिए दोनों साइन अलग अलग होना चाहिए, एक प्लस है तो एक माइनस होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका साइन या इसका साइन हमें बदलना होगा, तो बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, बदलने के लिए हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी कि हम इनको ऐड नहीं करेंगे, हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, let's subtract equation number 2 from 1, यानी कि हमें इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है। तो इसमें करना क्या होता है, जैसे मैंने फर्स्ट सम में बताया कि ऐड का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको ऐड करो, इसी से सेम, जैसे अगर सब्ट्रैक्ट मैंने बोला है कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, हमें सब्ट्रैक्शन में जो होता है साइन चेंज करना होता है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि एडिशन में साइन चेंज नहीं करते, सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, और हमें वो सम को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, ये हमें क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पहले नंबर सेम करना है, अगर क्वेश्चन में पहले से नंबर सेम है तो हमें साइन के पास ध्यान देना है, अगर दोनों साइन सेम है तो हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर पहले से दोनों साइन अलग अलग है तो हमें उसको ऐड करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे सब दोनों भी सेम है साइन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, 3a + 5b = 26, 1a + 5b = 22। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, 3 में से 1 माइनस कर दो, 5 में से 5 माइनस कर दो, 26 में से 22 माइनस कर दो, ऐसा नहीं करना है। हमें करना क्या है, इसका साइन चेंज करना है। मैंने पहले समय में बताया कि अगर किसी के आगे कोई साइन नहीं होता है इसका मतलब वहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है मतलब यहाँ पे प्लस था, हमने क्या किया, चेंज कर दिया, प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दिया। वैसे ही हमें इसमें भी करना है, हमें इसको क्या करना है, माइनस करना है, यहाँ पर भी कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, वहाँ पर भी हमें माइनस करना है। अभी हमने साइन चेंज कर दिया मतलब हमारा सब्ट्रैक्शन का जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2a बचेगा। मैंने बताया दोनों साइन अगर अलग अलग होता है तो ये कट जाता है, नंबर सेम होना चाहिए। 26 में से 22 माइनस करेंगे क्योंकि 26 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस होता है। इसके आगे भी कोई साइन नहीं था पर सब्ट्रैक्शन करने की वजह से हमने उसका साइन चेंज कर दिया तो वो माइनस हो गया। तो प्लस और माइनस बोथ द साइंस आर डिफरेंट, अगर दोनों साइन डिफरेंट है तो हम 26 में से 22 माइनस करके 4 लिखेंगे। बड़ा नंबर कौन सा है, 26, उसके आगे का साइन क्या है, प्लस, तो वो लगाओ मत लगाओ चलता है, अगर माइनस है तो लगाना ही पड़ेगा। अभी 2a हमारा जो 2 into a है, जैसे मैंने बताया था पहले भी 2 और a के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो a तो अकेला रहेगा, abcd वाले को हमें अकेला करना है और जो नंबर है उसके पास ये नंबर चला जाएगा। तो मल्टीप्लाई में है, जब वो उस साइड जाएगा तब वो डिवाइड में हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो a का वैल्यू कितना आया है हमारे पास, 2 आया है। अभी हमें a का वैल्यू क्या करना है, प्लेस करना है, यानी कि कोई भी इक्वेशन में करो, ऐसा नहीं कि तुमको इक्वेशन नंबर 1 में करना है, 2 में करना है, वो तुम्हारी मर्जी होती है। अगर हम सम सॉल्व राइट कर रहे हैं ना तो इक्वेशन नंबर 1 में रखो या इक्वेशन नंबर 2 में रखो, आंसर राइट ही आएगा, सेम ही आएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर देती हूँ मैं, प्लेस a = 2 इन equation 1। equation 1 क्या है, 3a + 5b = 26, वो सेम टू सेम लिख लो। अब इसमें हमें क्या करना है, a के प्लेस पे 2 लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और a का वैल्यू जो है वो 2 लिख देंगे, बाकी जैसा है उसको वैसे के वैसे नीचे उतार देना। 3 2 ज़ा 6, बाकी जैसा है वैसे के वैसे मैंने लिख दिया। अभी हमारा, मैंने बताया था abcd वाले को सेपरेट करना है तो इसको यहीं पर रहने दो, 26 भी वहीं का वहीं पे रहेगा। बाद में क्या जा रहा है, ये जा रहा है +6, 6 के आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो ये जो +6 है वो साइड जाएगा तो -6 हो जाएगा। 5b = 26, में से 6 गया तो 20 बचा, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन होता है और ये 5 मल्टीप्लाई में है, इधर जा कर के डिवाइड हो जाएगा तो b = 20/5, तो योर आंसर विल बी 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो b का वैल्यू कितना आया है, 4 आ गया। तो हमें 2 आंसर मिल गए, a, b, इसका मतलब है पहले हमें a का वैल्यू लिखना है which is 2 और बाद में हमें 4b का वैल्यू लिखना है 4, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफरेंट है। देखिए अभी ये सब हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान देना इसमें। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि कौन सा सेम है। x सेम है क्या, नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहाँ पे 3 है। y सेम है क्या, नहीं, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, मतलब दोनों भी अलग है। अब दोनों अलग है तो हमें क्या करना चाहिए, जब दोनों अलग है, x भी अलग है और y भी अलग है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम किसी एक को सेम करने की कोशिश करेंगे। तो भी हमें सिलेक्शन करना है, हम y को सेम करें या x को सेम करें, तो जो इजी रहेगा हम उसे करेंगे। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास 1 है, मतलब हम लोग 3 को 1 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वरना 3 1 ज़ा 3 होने वाला है, 3 2 ज़ा 6 होने वाला है, मतलब बड़ा बड़ा नंबर आएगा, छोटा नंबर तो आएगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा, मतलब ये सेम हो सकता है। इसमें क्या कर सकते हैं, अगर किसी को ये सेम करना है, ज़रूरी नहीं कि मैं x ही सेम करूँ, मैं y को भी सेम कर सकती हूँ, बहुत सारे ऐसे होते जो y को सेम करते, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, 7 को हमें 2 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, और 2 के टेबल में 7 नहीं आता तो 2 को 7 में मल्टीप्लाई करना, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहला वाला वे यूज़ कर लेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग बाय 3 किसमें इक्वेशन नंबर 1 में, इन इक्वेशन 1। तो अभी इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1x, 3 × 7y, 3 × 10, यानी कि हमने सब में मल्टीप्लाई किया। 3 का मल्टीप्लाई सिर्फ इसको सेम कर रहे हैं, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसके साथ साथ इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, यानी कि 3 × 1 = 3x, 3 × 7 = 21y, 3 × 10 = 30। ये हमारा नया इक्वेशन बना क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 1 का मॉडिफाई कर दिया, उसको इक्वेशन नंबर 3 में कन्वर्ट कर दिया। तब इक्वेशन नंबर 1 की ज़रूरत है क्या? नहीं है, हमें 2 और 3 की ज़रूरत है। अब देखो सेम हो गया, ये और ये हो गया ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसका साइन अलग अलग होना चाहिए। लेकिन वो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि इसका साइन सेम है, कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों भी साइन प्लस प्लस है। तो हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था, दोनों साइन अलग अलग थे तो हमने ऐड कर दिया था। अब दोनों साइन सेम है ना, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, दोनों साइन सेम है ना, तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। कैसे सबट्रैक्ट करेंगे? बस सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, यानी कि 3 को 2 से सबट्रैक्ट करेंगे। तो 2 कहाँ है? 3x माइनस 2y = 7। और इक्वेशन नंबर 3 कहाँ है? ये वाला, 3x + 21y = 30। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि सबट्रैक्ट का मतलब क्या करना है। सबट्रैक्ट का मतलब माइनस नहीं करना है, 3 में से 3 = 0 हो गया, 2 में से 21 माइनस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप लोग को ये जो सबट्रैक्टिंग है इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। इसका मतलब है नीचे वाले का जो साइन है वो चेंज कर दो, यहाँ पे कुछ नहीं था मतलब प्लस था, हमने उसको चेंज करके माइनस में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे प्लस दिख रहा है, चेंज कर दो, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, इसको भी चेंज कर दो, माइनस में कर दो। जहाँ जहाँ माइनस होगा ना वहाँ वहाँ हम प्लस लगाएंगे, जहाँ जहाँ प्लस होगा वहाँ वहाँ हम माइनस लगाएंगे, बस वही किया है मैंने। अब देखो 3x 3x, दोनों का साइन अलग है, कट गया, ये 2, दोनों भी साइन क्या हो गया, सेम है, यानी कि ऐड होगा। दोनों साइन सेम है तो ऐड करेंगे, दोनों साइन अलग अलग है तो सबट्रैक्ट करेंगे। 21y 2y, ऐड करेंगे तो 23y। बड़ा क्या है? 21 बड़ा है तो उसी का साइन लगेगा, ये जो चला गया उसको मत देखना, इसको देखना, -23y। अभी 37, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, और ये तो हमारा चेंज हो गया, माइनस हो गया, दोनों भी साइन अलग अलग हो गए। जब दोनों साइन अलग हो गए तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। 30 में से 7 गया तो कितना हुआ, सेम 23, यहाँ पे भी हो गया। बड़ा कौन सा है? 30 बड़ा है, 7 तो छोटा है, तो 7 के आगे का साइन लिखने का मतलब नहीं है, जो बड़ा है उसी के आगे का साइन देंगे। तो 23y और यहाँ पे 23 आ गया, तो थोड़ा आप देखो ईजी हो जाएगा ये सब। ये 23 लिख लेती हूँ मैं ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जब हमने उसको सबट्रैक्ट कर लिया तो हमें ये मिला। अब देखो 23 और y का क्या रिश्ता है, 23 और y का मल्टीप्लाई का रिश्ता है। जब 2 नंबर या 2, यानी कि अभी जैसे मैंने ये बाजू में लिखा है, ये नंबर है, अल्फ़ाबेट है, अगर इनके बीच में कोई साइन नहीं होता इसका मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 23 डिवाइड बाय 23, ऐसे बिल्कुल मत करना, अपॉन लगाना, अपॉन -23, यानी कि ये वाला यहाँ पे अपॉन में आ गया है, इसका मतलब भी डिवाइड ही होता है, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, 23 से 23 कट गया, आंसर आया 1। तो y = 1। हमें किसका वैल्यू मिला, y का मिला। ज़रूरी नहीं कि हमें हमेशा x का ही वैल्यू मिले, हम जिसको पहले सेम करेंगे, जैसे मैंने इसमें x को सेम किया तो x कटेगा पहले तो y का वैल्यू मिलेगा, y को सेम करेंगे तो y पहले कटेगा, x का वैल्यू मिलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आंसर सही आना चाहिए। अभी ये जो हमने कट किया था, इसको हमने राइट किया था, इसको हमने राइट किया था, वो सिर्फ इसके लिए था। और अगर हमें इक्वेशन में वैल्यू प्लेस करना है तो y इज इक्वल टू 1 है, वो किस में प्लेस करूँ, 1 में, 2 में या 3 में। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि इसके आगे वाले सम्स जो है थोड़े डिफिकल्ट होते जाएंगे, क्योंकि पहला एक्सरसाइज है इसलिए ईजी दिया है। हर एक एक्सरसाइज ईजी नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो ये ईजी है, इसमें हमारे पास तीन ही इक्वेशन है, 1 है, 2 है, 3 है। तो y का वैल्यू किस में प्लेस करना है, 1। ये हम लोग इक्वेशन में देखेंगे, जो इक्वेशन सबसे ईजी लगता है आपको, आप उसी में वो पुट कर देना, प्लेस वैल्यू वही कर देना। जैसे मुझे इक्वेशन नंबर 1 ईजी लगता है तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर दूंगी। प्लेस y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 1x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब मुझे y का वैल्यू लगाना है। ये 1x और x का मतलब सेम होता है 7, y का वैल्यू 1 लिखना है, सेम, इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन। x इज इक्वल टू x प्लस 7 1 7 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10, और ये जो प्लस 7 है वो साइड चला जाएगा। देखिए ये कैसे पता चलता है वो साइड जाएगा ये साइड आएगा, हम मैंने पहले समझाया कि हमें जो अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD वाले जो भी होते हैं, x है, y है, z है, a है, b है, उसको एक तरफ करना है, यानी कि अकेला करना है। तो ये जो नंबर है वो नंबर के पास शिफ्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये प्लस 7 वो साइड हम भगा रहे हैं, इक्वल के वो साइड डाल रहे हैं। तो जब भी ये प्लस 7 वो साइड जाएगा तो साइन चेंज होगा। मैंने बताया है ये प्लस में है, उधर जाके माइनस होगा, अगर ये माइनस होता उधर जाके प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो x इज इक्वल टू वॉट, 10 माइनस 7 3, सो योर x इज 3 एंड y इज 1, x इज 3 एंड y इज 1, दिस इज योर आंसर। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13। फाइन, ये सब भी ईजी है, इसमें कुछ सेम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि यहाँ पे सेम है, तो ये सब में ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों का साइन सेम है। मैंने बताया कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, दोनों साइन सेम है। जब दोनों साइन सेम है तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें उसके लिए साइन चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, यानी कि बाय सब्ट्रैक्टिंग, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, लिखना बाय सब्ट्रैक्टिंग। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना 1 से, वही लिखना। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 एंड देन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। देखो सब्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या बताया था मैंने, साइन चेंज करना है, करो, यहाँ पे क्या है मतलब प्लस है ना, चेंज कर दो माइनस कर दो, क्या है प्लस है ना, चेंज कर दो माइनस कर दो, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है प्लस है ना, चेंज करो माइनस करो, हो गया, सबका साइन चेंज हो गया। अब क्या करेंगे, 2x में से माइनस 2x कट जाएगा, जब दोनों का वैल्यू सेम है और साइन अलग अलग है तो घट जाएगा, वो कट जाएगा, कट गया। यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन है, दोनों साइन सेम है तो माइनस नहीं होगा, जब दोनों साइन सेम है तो क्या होगा, ऐड होगा, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 और 1 4y, बड़ा क्या है 3 के आगे का साइन माइनस लगा दो। 13 और 9, देखो यहाँ पे प्लस है, ये तो हम भूल जाएंगे ना, हमने नया साइन लगाया, जब नया साइन आ गया तो जूने साइन का क्या काम है, तो प्लस माइनस, बोथ द साइंस आर डिफरेंट, जब दोनों साइन अलग अलग है तो 13 में से 9 गया तो कितना बचा, 4 बचा, विच इज़ बिगर, 13 इज बिगर, 13 बड़ा है, सो पुट हियर माइनस साइन, सो -4 इंटू वाई है, इनका रिलेशन मल्टीप्लाई का है, -4 ये मल्टीप्लाई है तो y को यहीं पे रखो, जैसे ABCD वाले को हमें अलग करना होता है, लेटर्स को, नंबर को वो साइड भेजना है, तो ये -4 पहले से रहेगा जो यहाँ पे था, अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये -4 इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कटा, 4 से 4 कटा, तो हमारा आंसर क्या आया, 1 आया। तो हमारा y का आंसर क्या आया है, 1 आया है। अब हमें क्या करना है, किसी एक का वैल्यू आ जाता है x और y का, तो हम क्या करते हैं, प्लेस करेंगे, y = 1, प्लेस y = 1 इन विच इक्वेशन, whatever you want, take whatever you want, equation 1 और 2 जो चाहिए वो ले लो, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि दोनों में भी नंबर है ही। हाँ, ये थोड़ा इजी लग रहा है, चलो सेकेंड लेते हैं, प्लेस y = 1 इन इक्वेशन 2, तो 2x + y = 13, ये मैंने सेकेंड इक्वेशन लिख दिया है, तो 2x ऐसे ही रहने दो, प्लस y का वैल्यू क्या है, 1 है, तो सिर्फ इसके जगह पे हम 1 लिखेंगे, ये ऐसे ही रखेंगे। अभी हमारा जो ये 2x है, ये 13 है, दोनों वैसे ही है, 1 के आगे कौन सा साइन है, प्लस है, वो साइड जाएगा तो माइनस, 2x = 13 - 1 is what, 12, तो 13 में से 1 गया तो 12, 13 के आगे का साइन प्लस है, तो लगाओ मत लगाओ चलता है प्लस का साइन, इनके बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, ऑफ कोर्स x ऐसे का ऐसे ही नीचे उतर जाएगा, 12 भी ऐसे ही रहेगा, ये जो मल्टीप्लाई बाय 2 है ये साइड जा करके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि अपॉन में आ जाएगा, तो 2 1s are 2, 2 6s are 12, एक्स की वैल्यू मिल गई हमें 6, x की वैल्यू 6 मिली, y की वैल्यू 1 हमने पहले फाइंड आउट किया था, तो हमें x और y दोनों मिल गया, x is 6 and y is what, 1, so your answer is 6 and 1, that's it। अगर कुछ समझ में नहीं आता है मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं वो इम्प्रूव करूँगी, क्योंकि मेरा पहला चैनल है तो इतना मुझे आइडिया नहीं है, कुछ प्रॉब्लम होगा या मेरे वॉइस में प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, तो मैं नेक्स्ट टाइम से वैसे ही आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी।